भैया हमने सुना आपने जानवर देखा रात को, लेपट लेपट ही था क्योंकि वहां से ऐसे चल रहा था। गाइस ये देखो सांवर की आवाज आ रही है, कॉलिंग हो रही है। ये 36-40 किलोमीटर पैच इतना भयानक है गाइस कि ये गूगल पे भी रास्ता नहीं है। सच में मैंने पहली बार ऐसा कोई गांव देखा जिसका गूगल रास्ता ही नहीं दिखाता है। मजा आ गया। अरे भाई वो देखो यार, वो देखो भाई है बड़ा, कितना सुंदर गांव है और कितना बड़ा गांव है। मतलब ये खेती देख रहे भाई सरसों की और कितनी प्यार लग रही पीछे भाई वो बर्फ से ढके हुए पहाड़। मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है और भाई देख रहे हो क्या प्यारा सनराइज होने लग रहा है सामने से। और भाई आज यार थोड़ा ना मौसम ख़राब सा लगने लग रहा है। अगर आप सुबह ऊपर देखोगे ना भाई, देखो बादल से होने लग रहे हैं तो शायद स्नोफॉल हो सकती है। पर भाई यहाँ के मौसम को देख के ना प्रिडिक्शन कर नहीं सकते क्योंकि आपको पता है पहाड़ों में ना भाई एकदम से मौसम बदल जाता है। बाकी भाई अभी घर के तो उठे नहीं है, मैं भी नीचे आया था और भाई मैंने देखा यार सनराइज़ कितना प्यारा हो रहा है तो क्यों ना शूट कर लिया जाए। बाकी सब लोग सोने लग रहे हैं और रात में भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ी ठंड थी, अभी भी बहुत तगड़ी ठंडी, मतलब माइनस में टेम्परेचर था। क्योंकि यहाँ से जो पिंडारी ग्लेशियर है ना गाइस वो काफ़ी ज़्यादा पास है, अराउंड 80-85 किलोमीटर है, जिसकी वजह से सीधी बर्फीली जो हवा है ना गाइस वो बिल्कुल ऐसी कानों को चीरती हुई आती है। और सब लोग अभी सोने लग रहे हैं तो इन लोगों को उठाते हैं, फिर चाय वाय बनाएंगे और बाकी जल्दी से क्या कहते हैं सारी चीज़ों करके यहाँ से पैकअप करके और आगे की तरफ निकलेंगे। देखते हैं कहाँ जाएंगे, अगर बात बनती तो पिंडारी ग्लेशियर निकलेंगे, नहीं तो नेक्स्ट लोकेशन पर जाएंगे। रात को तो यहाँ पे हमने बोनफायर लगाई थी भाई, मतलब ठंड इतनी ज़्यादा थी कि इतने मोटे मोटे लकड़ भी देखो बुझ गए मॉइस्चर से। तो गाइस सब लोग उठ चुके हैं, मैं तो भाई पहले उठ लिया था। अब मम्मी यहाँ पे बर्तन मारने लग रही, जो रात के बर्तन थे क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा थी रात को कि वो हिम्मत ही नहीं बांधने की। हाँ। वहाँ से जहाँ पे रुके थे ना भाई पिछली बार, हम वहाँ से ज्यादा सर्दी थी कल नहीं, और इस बार ना हमने अपनी सिंक नहीं लेकर आए ना क्योंकि हमारा वो निकल गया था। नीचे का यार वो टूट गया, वो ठीक करवाना पड़ेगा हमें, तो अभी मम्मी को ऐसी दिक्कत आने लग रही है। ठीक है, और बाकी नहीं है, दो मिनट में बर्तन साफ हो जाते हैं, गर्म पानी में हो रहे हैं बल्कि, और फिर भी वो ज्यादा इजी रहता था ना। तो भाई देखो सब उठ चुके हैं, कैसी रही अंकल रात की? रात ठंडी थी भाई बहुत। जहाँ पर रुके थे वहाँ ज्यादा ठंड थी है ना, यहाँ रात में ज्यादा ठंड थी, अब तो इस समय इतनी नहीं है। हाँ क्योंकि दिन में तो वहाँ हवा चल रही थी ना, तो इस वजह से। आगे भाई वैली देखो यार कितनी प्यारी है, कितनी ज्यादा सुंदर है। भैया हमने सुना आपने जानवर देखा रात को? हाँ सही है। कौन सा था? देखो किस साइड? उस साइड ऊपर पहाड़ में। अच्छा हाँ। कितने बजे की बात है? एक करीबन 3:30 बजे की सुबह। हाँ 3:30। अरे भाई हाँ? कितना बड़ा था? अरे भाई मेरी तो हिम्मत होनी चाहिए ना, मैं तो घर गया अंदर। कितना बड़ा कितना था? मतलब बड़ा मतलब ऐसे तो विथ में मेरे जैसा होगा भाई। लेपर्ड लेपर्ड है वैसे इस एरिया में? लेपर्ड लेपर्ड ही था क्योंकि वहां से ऐसे चल रहा था ऊपर से। अरे भाई साहब ये जंगली तो है जंगली पूरा है, जंगली है। तो गाइस ये देखो सुबह होती भाई, जो गांव की लोकल लेडीज है वो यहाँ पे लकड़ियाँ ले लेके जाने लग रही है गांव में, और यहाँ पे डैडी देखो शेविंग करने लग रहे हैं जैसे घर पे करते हैं, बिल्कुल वही कर ले यार, बहुत दिनों के बुढ़ापा सा आ गया बिल्कुल एकदम। और गाइस इसके बाद मम्मी मेरे लिए बनाने लग रही है यहाँ पे कॉफी, तो गर्मा गर्म कॉफी पियेंगे और इसके बाद निकलेंगे हम पिंडारी ग्लेशियर। तो सीन क्या है वैसे आज का? अभी देखो पिंडारी का प्लान कर रहे हैं वहाँ जाने के लिए क्योंकि वहाँ स्नोफॉल भी हो रही है। -17 टेम्परेचर है भाई वहाँ का, तो लग रहा है कि भाई होके चलते। पता उन्होंने देखा नवीन भाई ने रात को लेपर्ड देखा पता? अच्छा बता रहे थे। ये लो तुम्हारी चाय और कॉफी। चाय नहीं भाई कॉफी, ट्रिप पे गाइस दूसरी बार आज कॉफी मिली है भाई सच्ची। तो गाइस अभी डैडी तैयार हो चुके हैं और अब मैं सोच रहा कि भाई पहले ना रूफटॉप टेंट को ना फोल्ड कर देते हैं हम एक बार, फिर उसके बाद अपना ना तैयार हो जाएंगे और फिर यहाँ से नाश्ता करके और निकल लेंगे। पहले ये ज्यादा जरूरी है, ये टास्क सबसे ज्यादा मेन होता है अपनी कैंपिंग में। गाइस ये देखो सांवर की आवाज आ रही है, कॉलिंग हो रही है, सांवर की कॉल है गाइस ये, ध्यान से सुनो। और ये पहाड़ के उससे पीछे साइड से आ रही है ना, अब रुक गई।
कॉलिंग हो रही थी। दो तीन तरह की आवाजें आ रही है। सांवर पढ़ो। सांवर की है। और आ भी बहुत तेज रही है कॉल। क्योंकि वैसे एक भी कुत्ता नहीं दिखा भाई हमें कल से यहाँ पे, क्योंकि भाई जानवर है इसी वजह से। ये देखो सांबर कॉल करता ना तो इट मींस लेपर्ड या टाइगर होता है। और वो भी जबरदस्त कॉल हो रही है। दो दो तीन तीन वो होने लग रही है एक साथ। भाई एक काम करो ना, नाश्ता वास्ता बनाओ और जल्दी निकल लो यहाँ से। तो दोस्तों टेंट को कर दिया पूरी तरीके से फोल्ड। अब किचन को तो अभी पैकअप करेंगे नहीं, क्योंकि किचन में अभी बनने वाली है मैगी। और ये देखो भाई यहाँ की सब्जी कट चुकी है इसके लिए, और अभी थोड़ी देर में हाँ मैगी बनेगी तो वो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। बाकी अभी मैं एक बार रेडी हो जाता हूँ यार, क्योंकि देख रहे हो मौसम ख़राब होने लग रहा है तो बारिश वारिश ना आ जाए, तो इससे पहले मैं रेडी हो जाता हूँ। तो एक बार रेडी होते गाइस और फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस तुम्हारा भाई हो चुका है अब रेडी, टेंट हमने पूरे अच्छी तरीके से पैक कर दिया। और मम्मी ने देखो हमारे लिए यहाँ पे पापड़ बना लिए। तो गाइस ये देखो यहाँ पे भाई छोक लगना शुरू हो गया मैगी का, और इसमें देखो प्याज टमाटर गाजर ये सब इसमें पड़ा हुआ है। पर हम मेरे और माई के लिए ना प्लेन मैगी बनेगी, ये तो मम्मी और डैडी के लिए वेजिटेबल्स आटा मैगी बना रहे हैं हम लोग। हाँ तो वो तो अपने लिए बना रहे हैं, हमारे लिए तो प्लेन बनेगी ना। वैसे भी प्लेन बनाऊंगी हमारे लिए, प्लेन बनेगी भाई बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो गाइस ये देखो भाई मम्मी ने अपने लिए पहले मैगी बना ली, तो इसमें मैगी डाल दी है अब छोक के साथ, हमारे लिए अलग से बनेगी। हमारे लिए देखो भाई दूसरे पतीले में पानी चढ़ चुका है, अब इसमें हमारी प्लेन वाली मैगी बन जाएगी। ये खाएंगे सिंपल बीमारों वाली मैगी। बीमारों वाली मैगी नहीं होती भाई, वो हेल्दी है। वो हेल्दी नहीं होती, वेजिटेबल्स ही नहीं तो हेल्दी कहां से हो जाएगी। कोई नहीं कोई नहीं। तो दोस्तों अपनी मैगी बन के रेडी हो चुकी है, और अब पूरा परिवार यहाँ पे बैठ के मैगी खाएगा। तो इतने आप शॉर्ट्स को एंजॉय करो। तो गाइस अभी फाइनली निकल चुके हैं, और आप देख सकते हैं फिर से ऑफ रोडिंग का रास्ता वो शुरू हो चुका है उसी गांव में से। और भाई इस गांव को देखो यार कितना ज़्यादा सुंदर है, मतलब वैली के बीच में ये गांव बसा हुआ है। इस गांव का नाम मैं गाइस भूल गया सॉरी, कल तक मेरे को इस गांव का नाम याद था, पर मैं इसमें क्या सियारी चूरा इस गांव का नाम है गाइस। बागेश्वर के रास्ते में ये पड़ता है, जब आप अल्मोड़ा से बागेश्वर जाते हो तो उसके रास्ते में आपको ये गांव पड़ता है। और यहां पे आप जरूर आना भाई कैंपिंग के लिए, एक नंबर जगह है सच में भाई। वैली के बीच में पूरा गांव है, और भाई ये देखो भाई घर आप देख सकते हो दूर दूर, मतलब काफ़ी बड़ा गांव है यार, छोटा नहीं है, काफ़ी अच्छा खासा बड़ा गांव है। और यहाँ पे खेत ही खेत आपको दिखाई देंगे भाई, वैली में नीचे आके तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे दृश्य आता है भाई। ये ऑफ बीट लोकेशन है, बिल्कुल ऑफ बीट लोकेशन है, दूर दूर तक कुछ नहीं है बिल्कुल भाई। अगर जैसे किसी को रो ओवर लैंडिंग करनी है ना, वो यहाँ पे आ सकता है रो कैंपिंग के लिए। हाँ, और यहाँ पर कम से कम 5-7 गाड़ियाँ तो खड़ी हो सकती है, आप नेचर के फील ले सकते हो पूरी बिल्कुल। मतलब गाँव वाले भी यहाँ पे आपको डिस्टर्ब नहीं करते आके, सबसे बड़ी बात ये है बहुत अच्छे गाँव वाले थे आके। तो गाइस फाइनली अब हम बागेश्वर के रास्ते पे चलने लग गए। ये हाईवे है मेन अल्मोड़ा बागेश्वर का, और यही आगे जाके हमें पिंडारी ग्लेशियर की तरफ जोड़ेगा, जो कि यहाँ से 70-75 किलोमीटर दूर है। मतलब भाई इतनी दूर है पर फिर भी इसके पहाड़ हमें यहीं से विजिबल है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर हमें दिखाई देने लग रहे हैं। साइड में गाइस थोड़ा जंगल चल रहा है, जिसके कारण मैं आपको वो पहाड़ अभी तो नहीं दिखा पाऊंगा, पर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा होगा, मैंने रास्ते में कई शॉट्स में आपको वो पहाड़ दिखाए, तो वो सारे पिंडारी ग्लेशियर के ही पहाड़ है भाई। वहाँ पर अगर मैं आपको रोज का वो बताऊँ ना, वहाँ का तापमान, तो गाइस वहाँ पे रोज ही बर्फबारी हो रही है, तो सोचो क्या तापमान होगा भाई। सुबह सुबह वहाँ पे तापमान होता है -17, -18, रात में तो और भी ज़्यादा वहाँ पे घटेगा। कोई नहीं गाइस जल्दी से वहाँ पे पहुँचते हैं। बाकी हमारे जो साथ के लोग हैं वो सारे बागेश्वर की तरफ ही प्रोसीड करने लग रहे हैं, हम थोड़ा पीछे रह गए थे, तो कोई नहीं अभी उन्हें आगे जाके पकड़ लेंगे। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बागेश्वर। आप देख सकते हैं भाई कितना बड़ा शहर है ये बागेश्वर। अच्छा आप कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बागेश्वर वो बागेश्वर धाम बाबा वाला बागेश्वर है, नहीं गाइस ये वाला बागेश्वर नहीं है, ये बागेश्वर उत्तराखंड वाला बागेश्वर है तो एक यहाँ पे ही बागेश्वर धाम, पर वो वाला अलग है। और भाई कितना सुंदर और प्यारा नज़ारा है, बीच में नदी बह रही है, उस साइड भाई पूरा शहर बसा हुआ है भाई, बहुत बड़ा शहर है बागेश्वर। और यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, मतलब अच्छा खासा शहर यहाँ पे बसा रखा है इन्होंने पहाड़ों पे। और भाई बहुत ज़्यादा सुंदर और प्यारा नज़ारा है। बाकी गाइस एक हमारा थोड़ा सीन चेंज हो गया, पहले हम पिंडारी ग्लेशियर जाने लग रहे थे, पर एक्चुअली में पिंडारी ग्लेशियर का कोई रास्ता ही नहीं है, है ना, हमें तो बाद में पता चली ये चीज़। हाँ क्योंकि गूगल भी नहीं दिखा रहा है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो लास्ट गांव है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल बाद फिर हम वहाँ से
पिंडारी की। मतलब ये जी हमारे दिमाग में भी नहीं है कि भाई वो तो ग्लेशियर है, ग्लेशियर पे कोई कैसे जा सकता है, मतलब ट्रैक करके जाया जाएगा। जा सकते हैं बिल्कुल, ग्लेशियर पे कोई रास्ता हमारे दिमाग में नहीं है, पर गाइस अब बाद में समझ में आए तो अब लास्ट जो गांव होगा ना वहां तक जाने की ट्राई करेंगे। तो कोशिश ये करेंगे कि भाई हमें स्नो मिल जाए, क्योंकि भाई सच में आप लोग ज्यादा हम एक्साइटेड है स्नो देखने के लिए। तो गाइज अभी हम पिंडारी ग्लेशियर के रास्ते में रुके थे और भाई हमें ये चीज़ दिखाई दी, वो देख रहे आपको लंगूर खेती कर रहे हैं, लंगूर खेती कर रहे हैं भाई, ये देखो यहाँ पे शांति से बैठे हुए देख रहे, तीन तीन है भाई वो भी। और एक चीज देखी तुमने, यहाँ की स्मेल कितनी अलग है, इतनी अच्छी आ रही है स्मेल, बिल्कुल एक बदल गई है ना भाई, यही नहीं बिल्कुल पास। और वो भाई ये बैठा, देखो वो भाई ये रहा, बहुत सारे देखो हो रहे भाई, कई सारे देखो वो भी रहा, पहाड़ी लंगूर है ये देखो, ओ यही ओ ले क्या बात है, ओ कूद कूद के जा रहा। तो गाइस अभी रास्ते में है और अब प्लान फिर से चेंज हो गया है, पिंडारी ग्लेशियर से पहले एक गांव पड़ता है जो कि लास्ट गांव है जहां तक गाड़ी जा सकती है पिंडारी ग्लेशियर के लिए, वो है खाती गांव, तो वहां तक जाने लग रहा है। और गाइस आप रास्ता देख सकते हो भाई कितना ज्यादा सक्रिय रास्ता है, खैर यहां पे इतनी ठंड तो है नहीं जितनी हमने पहले वहां पे महसूस करी थी, क्योंकि अभी हम नीचे नीचे चलने लग रहे हैं और अब हम जाके हाइट कहीं गेन करने लग रहे हैं। आप देख सकते हो थोड़ी थोड़ी चढ़ाई शुरू हो चुकी है और भाई इन्हीं पहाड़ों के पीछे है मेन पिंडारी ग्लेशियर, दिखने में तो भाई काफ़ी ज़्यादा पास है। और जितने भी अभी तक आपने मेरी वीडियो में अभी तक बर्फ़ के पहाड़ देखे ना, पूरा पिंडारी ग्लेशियर है, पर गाइज वो हकीकत में बहुत ज़्यादा दूर था, धीरे धीरे करके वहाँ तक पहुँच रहे हैं हम। और अराउंड 45 किलोमीटर का वो ट्रैक है जो कि खाती गाँव से शुरू होता है। एक्चुअल में क्या था ना, प्लान तो ये था, किसी ने हमें बोला कल रात को हम जाम हमने कैंपिंग की थी वहाँ, किसी ने बोला कि पिंडारी ग्लेशियर जाओ, तो हमने सोचा वहाँ तक रास्ता होगा, तो हमने रास्ता सर्च किया तो रास्ता हमें मिला नहीं, तो पूछ पूछ कर हम लोग आए हैं। तो जो यहाँ के लोकल उन्होंने बताया कि लास्ट जो गांव है जहाँ तक रोड बना हुआ है वो है खाती, खाती गांव के बाद आपको रोड नहीं मिलेगा, आप वहाँ से घोड़े खच्चर और एक कोई आदमी भी ले सकते हैं, पिट्ठू वाला आदमी जो आपका सामान उठा कर ले जा सकता है, तो आप जा सकते हैं पिंडारी ग्लेशियर तक, लेकिन गाड़ी नहीं से नहीं पैदल मूव करके। बिल्कुल, और भाई ये देखो ये उत्तराखंड का वो वाला हिस्सा है जो कि बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है, और इसे आपकी बार हम एक्सप्लोर करने लग रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव वीडियो है भाई यूट्यूब पे। तो गाइज इस व्लॉग को आप एंड तक जरूर देखना, बने रहना इस व्लॉग में एंड तक, बहुत ही ज़्यादा मजे आने वाले इस वीडियो में। तो गाइज आप देख ही सकते हो भाई कितना खतरनाक रास्ता है, मतलब ये 36-40 किलोमीटर पैच इतना भयानक है गाइज कि ये गूगल पे भी रास्ता नहीं है, सच में मैंने पहली बार ऐसा कोई गांव देखा जिसका गूगल रास्ता ही नहीं दिखाता है। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है भाई, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई एकदम भाई साहब, गाड़ी पहले गियर में ही चढ़ रही है, ये देखो हमारी गाड़ी भी गाइज आज लोड मारने लग रही है इस रास्ते पे इतना, और ये चढ़ाया जा रहा। हम पहले ही सोच रहे थे कि यार ये तो नीचे नीचे वैली वैली में आ रहे हैं, काहे बात ग्लेशियर है, और भाई अभी रास्ता बड़ा भयंकर होता आ रहा है गाइस सच में, और ट्रैफिक भी इस पर बिल्कुल नहीं है, कोई कहीं एक दो गाड़ी दिखती है तो दिखती है, नहीं तो कोई ट्रैफिक नहीं है, एक दो दिक्कत गाड़ी चल रही है, मतलब रोड देखो कितना पतला सा है भाई। इसके बाद जो देखो ये चढ़ रहा है ऊपर, ये टर्न देखना गाइस, ये जो इसके बाद टर्न आएगा ना भाई बड़ा भयानक है ये टर्न सच में। हां ये गाड़ी चढ़ी नहीं, ये चढ़ी नहीं हमारी गाड़ी, देखो ये चढ़ी नहीं गाड़ी हमारी, चढ़ी नहीं। अरे भाई साहब, भाई साहब वाकई में वही तो बहुत जबरदस्त है, चलो देखते हैं, सही बोलते हैं असली एडवेंचर भाई, ये तो कुछ ज्यादा एडवेंचर हो गया आज, मजे आ रहे हैं मेरे को तो भाई साहब, ये इतना पहाड़ की चोटी पे लेके जाएगा, मैं वही कह रहा हूं तो बहुत ज्यादा रोड बहुत ऑफ रोड है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत ऑफ रोडिंग है, जबकि ये तो शॉर्टकट है जिससे हम आए हैं, जगह जगह रोड टूटा हुआ है और बहुत मुश्किल काम है यहाँ चढ़ाना। तो गाइस देखो पहाड़ दिखने शुरू हो गए और भाई इन बर्फ के पहाड़ों के साथ एक्साइटमेंट डेडी कैसी हो रही है, बहुत बढ़िया भाई, इतनी दूर चला के आया हूं ऐसे खतरनाक रास्ते पे तो कम से कम वसूल हो जाएगा भाई, मजा आ गया यार सच में, रुक जाओ अभी आपको उतर के दिखाते हैं। अंकल एक्साइटमेंट कैसी है बर्फ के पहाड़ देख के, मजा आ गया, अरे भाई वो देखो यार, वो देखो भाई है बड़ा हमारे तो बड़ी हिम्मत की है, लेकिन गाड़ी चलाना पड़ा, दिख गए आपको पहाड़ फाइनली, आगे पहाड़ पीछे पीली सरसों के खेत भाई क्या सुंदर और प्यारा नजारा है यार,
आंखों से ही कैप्चर हो सकता है ये बस सच में। गाइज उस साइड बर्फ के बर्फीले पहाड़ और इस साइड भाई ये देखो सरसों खेत भाई वाह डेडली कॉम्बिनेशन ये देख रहे हो आप पीली पीली सरसों भाई वाह कितना सुंदर लग रहा है ना सब कुछ सच में भाई वाह। गाइज ये देखो भाई पहाड़ी पहाड़ पूरे यार डेडी कैसा लग रहा है नजारा बहुत बढ़िया। इतनी दूर मतलब थक के जो गाड़ी चलाई ना मैंने वो इस नजारे को देखकर भाई साहब सारी थकान उतर गई भाई कसम से यार बहुत सुंदर लग रहा है ये बहुत ही ज्यादा मतलब मैं बता नहीं सकता बयान नहीं कर सकता इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट और इतनी ज्यादा खुशी हो रही है ऐसे चमक रहे एकदम बिल्कुल सुनहरे। ये वही पहाड़ है गाइस जो मैं आपको इतनी दूर से दिखा रहा था आज आपको इतनी पास से दिखा रहा हूं देखो। तो दोस्तों ये देखो भाई कितना सुंदर है यार ये नजारा अरे आवाज गूंजने लग रही है ना गजब ये भाई गजब भाई बहुत सुंदर है यार सच में बहुत ज्यादा सुंदर है कैसा लग रहा है बहुत अच्छा आवाज गूंज रही है देखो है ना भाई घाटी आवाज गूंज रही है गाइज एक बार ऑफ रोड चेक करो भाई कितना तगड़ा है हमारी जैसी गाड़ी तक को दिक्कत होने लग रही है पीछे तो भी वैगन आ रहा पता नहीं क्या होगा भाई ये देखो और ये देखो भाई साहब तो बड़ा खतरनाक रहा ऑफ रोड होने लग रहा है। और अभी एक लोकल मिला था वो बता रहा था कि भाई यहाँ पे वैसे बारह मतलब क्या कहते हैं हमारी किस्मत अच्छी है इस बार बर्फ़ नहीं हुई पर यहाँ पे इतनी बर्फ होती कि हम आ ही नहीं सकते थे इस बार पता नहीं बर्फ ही नहीं हुई गांव पूरा पैक हो जाता भाई मतलब ये बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाता है मेन दुनिया से ये गांव बर्फ के टाइम पे। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं खाती गांव आप देख ही सकते हो कितना सुंदर गांव है और कितना बड़ा गांव मतलब ये खेती देख रहे भाई सरसों की और कितनी प्यार लग रही है पीछे भाई वो बर्फ से ढके हुए पहाड़ नीचे भाई नदी बहने लग रही है भाई वाह बहुत ही ज़्यादा सुंदर गाँव है गाइस सच में। अब नीचे जाके एक बार जरा जगह का देखते हैं होम स्टे लेंगे या क्या आज जैसा भी होगा गाइस मैं आपको। तो गाइज अभी एक वाटर क्रॉसिंग हम क्रॉस करने जा रहे हैं और मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि खाती गांव ना उस साइड पड़ता है। तो गाइज ये वो सामने क्रॉसिंग है ये देखो भाई मतलब इतना गंदा रास्ता भाई रास्ता भाई बहुत ही ज्यादा तगड़ा ऑफ रोड है देखो ये देख सकते हो अभी ये वाटर क्रॉसिंग है भाई ग्लेशियर से पिघल के आ रहा है और ये पानी मतलब शरीर में डेढ़ देख के पत्थर है इस साइड थोड़ा ओ भाई इतना खतरनाक है यार वैगनार कैसे आएगी वो तो रुके पड़े हैं अभी अरे भाई साहब दिख ही ना रहा भाई अरे गड्ढा 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 रोको एक बार है रोको अभी बैकग्राउंड वाले को जुगाड़ तो करो एक बार